कि एक कोई बड़ा सा पेड़ है, बरगद पीपल शमी का पेड़, जिसकी बड़ी सी जड़ें हैं, खोह है। उस खोह में एक लाल वस्त्र में, भगवा वस्त्र में महात्मा बैठा ध्यान कर रहा है। उसके चेहरे पर आनंद है, एक शांति झलक रही है, कोई शरीर पर तनाव नहीं, कोई झंझट नहीं। पास में एक जल का कमंडल रखा है और ध्यान मुद्रा में बड़े मस्त भाव में बैठे। तो महात्मा बुद्ध ने कभी देखा नहीं था सिद्धार्थ ने। उन्होंने कहा, किम इदम, ये कौन है, एक एक कौन है, हमने तो कभी देखा नहीं था। तो सारथी कहता है उनका, जैसे पहले बताता था, उसने कहा, ये सन्यासी है, ये सन्यासी है, इसने देख लिया कि संसार में दुख है, इस संसार में बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, हानि लाभ है, संसार में दुख है, तो ये दुख से छूटने का उपाय ढूंढ रहा है। सिद्धार्थ कहते हैं, इसके चेहरे पर तो कोई दुख दिखाई नहीं पड़ रहा, बोले ये इसी आनंद में है, संन्यास के कारण ही सुख में है। महात्मा बुद्ध को वहीं से रास्ता मिलता है। अगर जन्म से हमको ये रोग लगा हुआ है, बुढ़ापा लगा हुआ है, मृत्यु लगी हुई है, और एक सन्यासी बैठ करके ध्यान कर रहा है, तो एक रास्ता तो है। और उसके बाद सिद्धार्थ के मन में, महात्मा बुद्ध के मन में आया, मैं भी इस मार्ग पर चल करके और दुख से छूटने का उपाय खोजूं। तो शुरुआत तो यहीं से होती है कि जो जो महापुरुष आगे बढ़े हैं, उन्होंने संसार में दुख को देखा है। जब तक संसार में दुख दिखाई नहीं पड़ता, तब तक साधना भजन की बात पूरे मन से नहीं होती। और अगर बैठ करके एक अनुभव हो जाए कि हाँ, जीवन में दुख है, संसार में दुख तो है, जब दुख दिखाई पड़ जाता है, तब हमारे भीतर चाह पैदा होती है कि फिर दुख से छूटने का उपाय क्या है। कैसे कैसे, तो योग दर्शन का सूत्र है, याद है, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। ये है सूत्र। परिणाम, परिणाम की दृष्टि से देखो, परिणाम की दृष्टि से तो संसार में हमको दुख दिखाई पड़ता है,